सर सबसे पहले तो एज अ डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का शो होने वाला है और बेटी घर का उजाला किस तरह का कॉन्सेप्ट है? जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ जो एक आंदोलन शुरू किया था, क्या उसके ऊपर है या फिर क्या स्टोरी है, थोड़ा सा बताइए सर। बेटी घर का उजाला ये जो सीरियल है दूरदर्शन पे आएगा 25 मार्च से, और ये जो थीम है मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसी पे आधारित है ये पूरा। और ये टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो है, फर्स्ट टाइम इतने बड़े एक्टर जुड़े हैं, मकरंद देशपांडे, यशपाल शर्मा, रजा मुराद जी, परवीन कौर, फयाज, इरफान, आरिफ खान, आहिल खान, बहुत बड़े बड़े एक्टर जुड़े हुए हैं हमारे शो से। ये टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो है, आप देखेंगे कि कलर्स स्टार प्लस किसी चैनल पे इतने बड़े एक्टर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये जो शो है इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो नेहा कक्कड़ गा रही है, बप्पी दा म्यूजिक कर रहे हैं इसके। ये शो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, ये दूरदर्शन के बाद ये शो बाहर भी जाएगा डब होके, और कुछ कंपनियों से बात भी हुई है मेरी चलाने के लिए इस शो को, तो उन्होंने हाँ भी बोला है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है, बच्चियों को ये सोच के पढ़ाती है कि बस पढ़ लेगी तो एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तो उनकी हुई थॉट को चेंज करने के लिए ये शो बना है। इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आप सबको, इस शो को देखने के बाद उनकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएंगी, और फिर वो अपने बच्चियों के साथ एक जैसे बिहेवियर करते हैं कि नहीं बाहर मत जाओ, ये मत करो, पीरियड्स में तुम स्कूल मत जाओ, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी इस शो को देखने के बाद। बहुत सारा मैसेज है इसमें। सर जैसे आपने कहा कि स्टारकास्ट में काफी नामी चेहरे हैं, आज इनकी बात करें मकरंद देशपांडे, तो कैसे चुनाव किया आपने स्टारकास्ट की अगर बात करें, और क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, थोड़ा बताएं। इसके पीछे ये थॉट प्रोसेस था कि मैं अपनी चीज़ों में जब कोई भी चीज़ करता हूँ तो कॉम्प्रो नहीं करता उसमें, तो जो मेरी सोच थी उसको निकालने के लिए टेलीविजन पे लाने के लिए इनसे अच्छा कोई एक्टर नहीं था मेरे लिए, जो परफॉर्मेंस बाई करेक्ट। आप बताइए आपके किरदार क्या है, क्योंकि जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और किरदार को लेके किस तरह की मेहनत की गई है, क्या प्रिपरेशन की है अपने किरदार को लेकर? जी मेरा किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ एज ए सरताज। सरताज एक वो किरदार है जो गांव के लिए लड़ रहा है, मुखिया से लड़ रहा है, उनके बेटों से लड़ रहा है कि गांव वालों को उनका हक मिले, और इसके लिए काफ़ी मेहनत की मैंने। मुझे याद है कि मैं लखनऊ जा रहा था, मैंने सोचा ये लास्ट ऑडिशन दे लेता हूँ, और ऑडिशन में 4 दिन बाद मुझे कॉल आता है प्रोडक्शन से कि सर आप सिलेक्टेड हैं। तो उसके बाद फिर सर ने मुझे कॉल किया और प्रिपरेशन कराया, लेकिन सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मुझे हौसला मिला। अच्छा इस काम करके भविष्य बहुत अच्छा है इसका आगे चल के। सर आहिल ने जो है थिएटर भी किया है, क्या थॉट प्रोसेस था आहिल को लेने के पीछे? इसको लेने के बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें मेहनत कम करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे एक बार बोलने से चीज़ों को ही समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, बाय परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है। अच्छा एक्टर है, आगे चल के बहुत अच्छा है इसका। आज का सीन ये है कि मुखिया रजा मुराद जो है इसको झूठे केस में फंसा देता है, बिकॉज क्योंकि ये किसानों के लिए लड़ता है, फंड आता है जो सरकार की तरफ से, वो मुखिया किसानों के बीच पहुँचने नहीं देता, वो ना सब घपला कर लेता है, तो उसको उसके लिए लड़ता है कि तुम फंड जो है किसानों को सही हक मिलना चाहिए उसके लिए लड़ता है, तो मुखिया एक प्लान के तहत इसको फंसा देता है और ये जेल के अंदर होता है। ये सीन शूट चल रहा है। सर इन दिनों जो है वेब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, तो आपने डीडी पे लॉन्च करने के लिए क्यों सोचा, वेब प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं? करेक्ट। मैं पिछले दिनों संसद भवन गया था, अंदर गया था, मेरे एक मित्र हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके साथ गया था। मैंने देखा अंदर कि दूरदर्शन चल रहा है और जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं सब देखते हैं दूरदर्शन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये सबके पास पहुंचेगा, और इससे बाबा रामदेव भी जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव ने क्लिप दिया, मैं आप लोगों को भेजूंगा क्लिप, हमारे सीरियल के बारे में उन्होंने बेस्ट विशेज दिए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिए हैं, और इसी मंथ के एंड में प्राइम मिनिस्टर का भी बाइट्स आने वाला है हमारे सीरियल के लिए, तो वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा।
जैसे आपने कहा, जैसे हमें भी पता है कि ये जो आंदोलन है, मुहिम कहेंगे हम इसे, पीएम मोदी जी ने शुरू किया था, तो क्या उनसे कोई मदद मिली है, सब्सिडी या फिर किस तरह की उनसे हेल्प मिली? हाँ हाँ, उनसे मिली है, क्योंकि उन्होंने स्किल इंडिया से के तहत, स्किल इंडिया के तहत उन्होंने हमें एक ऐड दिया है, स्किल इंडिया का ऐड दिया है इस शो के लिए, और इसके लिए मैं उनका उनको थैंक यू बोलता हूँ। आहिल, आपने लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि राजू कुमार यादव जो धनबाद से एक सपना लेके चला था, तो और बॉलीवुड में आपने लगातार एक अपना एक अलग मुकाम बनाया, तो कितना लगता है उस मंजिल के, जो मंजिल, जो सपना लेके आप चले थे धनबाद से, तो कितना पूरा हो पाया है? पूरा तो पूरा कर लिया मैंने, 18 साल हो गए, बड़े बड़े काम किए, एज ए एडिटर रहा, एज ए एडिटर मैंने एकता कपूर की लाइफ स्टोरी की, किरण बेदी जी की लाइफ स्टोरी की, दीपिका कुमारी जो तीरंदाज है उनकी लाइफ स्टोरी की, बहुत सारे सीरियल डायरेक्ट किए, 18वां साल चल रहा है, एक फिल्म की है मैंने जो ओमपुरी साहब मर गए तो फिल्म रुक गई है 60% पे, गोविंदा थे उसमें, गोविंदा के भाई हैं, स्नेहाऊ लाल है, मिलन गुरांजी थे, सुप्रिया पाठक थी, बड़ा स्टार कास्ट था, वो रुका हुआ, 60% शूट हो गया ओमपुरी के मरने के बाद। और ये इस सीरियल के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च किया, और फाइनली ये स्टेज पे है। ओके, आगे की क्या योजना है? अगर मैं राजू कुमार यादव जी की बात करूँ तो आगे किस तरह? नेक्स्ट मंथ नेटफ्लिक्स के लिए कर रहे हैं हम, मनोज बाजपेयी जी को लेके, बड़ा शो है और 8 एपिसोड का है वो, और वेब सीरीज है, यही है, आगे अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही तो और अच्छा चलता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके आहिल, अगर आपके किरदार की बात करें हम, तो क्या रियल लाइफ से आपने कोई रेफरेंसेस लिए हैं? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ये मुहिम पीएम मोदी जी ने शुरू की थी, तो मुहिम का एक टॉपिक तो था आपके पास, लेकिन किरदार को लेके कोई रेफरेंस लिया आपने, अगर उस बारे में कुछ बताया? इस तरह का अक्सर देखा गया है कि गांव में अक्सर एक होता है कोई जो ये मुहिम के लिए स्टार्ट करता है, लड़ता है, तो उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मैंने सोचा कि खड़े होते हैं अपने गांव के लिए, और जब हम खड़े होंगे तो लोग साथ खड़े होंगे और सब कुछ इजी हो जाएगा। आपने अपनी शुरुआत जो है थिएटर से की, एक्टिंग करियर को अभी परस्यू कर रहे हैं आप, तो क्या आपको हमेशा से एक्टिंग ही करना था या फिर कोई और एम था आपका? अगर कुछ बताया उस बारे में कि अब तक की जर्नी कैसी रही, हालांकि थोड़ी सी छोटी जर्नी है, लेकिन अब तक की जर्नी कैसी रही है? आई एम श्योर आगे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी आपकी जर्नी। जी हाँ बिल्कुल, मैं बेसिकली लखनऊ से बहुत मैंने थिएटर प्लेज किए हैं और रंगमंच से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, और रंगमंच ने ही हमें एक्टिंग सिखाया है, और रंगमंच से ही सीख कर आज मैं छोटे पर्दे पे, और कल आपको बहुत जल्द बड़े पर्दे पे भी दिखाई दूंगा। जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत रंगमंच से की, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? क्योंकि जो है सीरियल में जो है बहुत सारे टेक होते हैं, वहाँ पे वन टेक में पूरा जो है पूरी कहानी कहनी होती है, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? कितना चैलेंजिंग, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है? बिल्कुल, रंगमंच ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन वहाँ पर आप दर्शकों से बिल्कुल रूबरू होते हैं, तो सारी दिल की भड़ास निकल जाती है। यहाँ पर हम कैमरे के पीछे काम करते हैं, इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन काम काम है। जैसे मैंने सर को पूछा था, डायरेक्टर साहब को, कि जो है बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, वेब प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की जा रही है, लेकिन ये शो को डीडी पे लॉन्च किया जा रहा है, तो आपने अपना एज अ पहला शो ये शो चुनने का कोई खास रीज़न अगर शेयर करना चाहूँगा? जी हाँ बिल्कुल, ये शो जो है डीडी के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ एक मैसेज है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है या उपलब्धि है कि इस शो में का मैं हिस्सेदार हूँ, और मैं एक मैसेज पहुंचा रहा हूं अपने देश के लिए। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रंगमंच से आके बॉलीवुड में बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह की बात करें, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आप किसको ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं एक्टिंग के लिए दिलीप साहब को मानता हूँ, और नसीरुद्दीन शाह जी से भी मैंने बहुत कुछ उनको देख कर सीखा है, उनको देख कर टीवी पर, और नवाजुद्दीन जो आजकल हैं जी, उनको भी देखकर काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। तो आने वाले समय में कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, क्या वो बड़े पर्दे पर होंगे, कोई वेब सीरीज होगी या फिर? जी बिल्कुल, आपको मैं वेब सीरीज में भी दिखाई दूंगा, और बहुत जल्द आपको मैं बड़े पर्दे पर भी दिखाई दूंगा। आखिर में जाते जाते पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आज जो है उसका बदला भी लिया गया है, 300 आतंकियों को मार गिराया है इंडिया ने, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इस ये जानकर तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, और हम हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए, और बहुत अफसोस है,
और अफसोस इस बात का भी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमको एकजुट होकर एक मुहिम चलाकर कुछ करना चाहिए इसके लिए। हमारे देश के जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जल्द से जल्द इसका बदला लेना चाहिए और सभी आतंकी कैंप को ख़त्म करना चाहिए। आज जो है बदला लिया गया है जैसे आपने जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और आज हम फख्र महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम।